स्वस्थ जीवन के लिए हकीम सुलेमान खान्स अतिया हर्ब्स www.atiyahubs.com। शपथ ग्रहण तो नरेंद्र मोदी का था, लेकिन शपथ ग्रहण में दो लोगों की ऐसी ग्रैंड एंट्री हुई कि वहां पर मौजूद हर कोई अपनी सीट छोड़कर खड़ा हो गया। जैसा कि आप सबको पता है कि अब तक एक एक यही नैरेटिव बनाया जाता रहा है कि शाहरुख खान मोदी विरोधी हैं, लेकिन आज शाहरुख खान ने ऐसे नैरेटिव बनाने वालों के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ाया। शाहरुख खान नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे और इतनी ग्रैंड एंट्री हुई। उनकी एंट्री किसके साथ हुई, आपको एक तस्वीर दिखाते। पहले इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में शाहरुख खान और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक साथ आ रहे हैं, यानी मुकेश अंबानी के साथ शाहरुख खान की एंट्री होती है। साथ में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी भी नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, जिनका स्टार्डम पूरी दुनिया में फैला हुआ है, कहते हैं कि जब कभी भी भारतीयों पर मुश्किल आता है तो किसी भी सरकार के लिए शाहरुख खान सरकार को याद आते हैं। जैसे कि आपको याद होगा एक पुरानी घटना, जब कतर में 8-9 सैनिक फंसे थे वहां पर, उसमें भी सरकार की मदद की थी शाहरुख खान ने। शाहरुख खान जब फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था, पूरी दुनिया में देखिए कितना बड़ा स्टार्डम है शाहरुख खान का, जब फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें भी शाहरुख खान को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। शाहरुख खान कुछ भी करते हैं, उनका जन्मदिन होता है या उनकी टीम केकेआर अगर आईपीएल का खिताब जीतती है तो सीधे बुर्ज खलीफा पर वो तस्वीरें छपती हैं। तो इसका एक सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत में बहुत चुनिंदा लोग ऐसे हैं जिनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई है और शाहरुख खान उनमें से एक है। और आज जब नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर शाहरुख खान की एंट्री हुई तो लोगों की नजर उन पर एकदम ठहर सी गई। बिल्कुल काले लिबास में जब एक एक्टर ने एंट्री मारी तो वहां पर हर कोई शाहरुख खान के साथ फोटो ले रहा था, तस्वीरें खिंचवा रहा था। और साथ साथ आप देखिए जो पूजा ददलानी उनकी मैनेजर है वो इस तस्वीर में नजर आ रही है। इसके साथ साथ लोगों ने यह चर्चा भी शुरू कर दी है कि शाहरुख खान और मुकेश अंबानी का कनेक्शन क्या है। और आज इस सारी चर्चा पर विराम लग गया। जो लोग ये कहते थे कि शाहरुख खान नरेंद्र मोदी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी शाहरुख खान के खिलाफ, 2014 से पहले 2013 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैंडिडेट बने थे तब सलमान खान के साथ उनकी तस्वीरें आती थी, शाहरुख खान के साथ कभी उनकी तस्वीर नहीं आई। लेकिन ये पहला मौका है जब शाहरुख खान को इस तरह से नरेंद्र मोदी के किसी बड़े इवेंट में बुलाया गया। और इससे पहले का एक इवेंट आपको बताते हैं, जब नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड के तमाम सितारों से मुलाकात की थी उसमें भी शाहरुख खान पहुंचे थे और तब शाहरुख खान की बात बहुत सुनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बहुत ध्यान से सुना था और शाहरुख खान की काफी तारीफ भी की थी उस मीटिंग में, अगर आपको याद हो तो। ये मीटिंग पिछले साल ही हुई थी। वो मीटिंग लोगों के जहन में है जब शाहरुख खान यानी बादशाह खान के साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। और एक आज ऐसा मौका था जब शपथ ग्रहण समारोह में शाहरुख खान की जब एंट्री हुई तो लोगों ने जमकर तालियां बजाई और सीधे उनका कनेक्शन मोदी से जोड़ा गया, सीधे उनका कनेक्शन मुकेश अंबानी से जोड़ा गया। वैसे शाहरुख खान की इस एंट्री पर, नरेंद्र मोदी के साथ उनके कनेक्शन पर आप क्या कहना चाहते हैं, कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय जरूर दीजिए।